टी20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुश आमदीद। मैं हूं अलमदार खान एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू, पावर्ड बाय जैज, डॉलेंस एंड रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट। गुज़श्ता रोज़ सुपर 8 के पहले मरहले में जनूबी अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान मुकाबला हुआ। अमेरिका ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्रर 20 ओवरों में 4 विकेटों के नुकसान पर 194 रन स्कोर किए। जवाब में अमेरिकी टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सकी और यूं अमेरिकी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी जानेब सुपर 8 के राउंड 2 में दिफाई चैंपियंस इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराया। खैर, इन तमाम मैचेस पे गुफ्तगू करूँगा सक़लैन में। अस्सलाम वालेकुम आपसे, यासिर भाई आपसे, कैसे हैं आप? लोग ठीक है सर। सबसे पहला मैच जी प्यारे भाई, क्या हाल है? आप बताएं सर, ठीक है खैरियत? आई लाइक योर स्माइल ऑन द फेस सर, आई हैव टू कीप दैट। जरूरी है सर, बहुत मज़ा आता है आपसे प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम लोग मैचेस की जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैच हम कहेंगे कि अमेरिकाज़ परफॉर्मेंस टू बिगिन विद, अनबिलीवेबल जी, द वे दे प्लेड एंड द वे एक्चुअली दे एग्जीक्यूटेड। और जिस तरह उन्होंने हैमरिंग की है, गॉस ने ऐसी बैटिंग की है, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। उसने आके जो छतरोल की है ना, वैसे साउथ अफ्रीका के, वो हमारे पंजाबी में एक डायलॉग होता है कि कानों से बज गए ये। यकीन करें, यानी इधर से कोई फायर करे तो एब्सोल्युटली। और आई थिंक हम सब हैरान हैं, वी weren't really expecting, क्योंकि दे प्लेड इन वेस्ट इंडीज, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन आपने घर से बाहर निकल के आए। आई थिंक 200 प्लस का पार स्कोर होना चाहिए था यहाँ पे। जिस तरह की क्रिकेट दोनों ने खेली है, मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका ने थोड़े रन कम किए हैं, 200 प्लस जाना चाहिए, 210 तक जाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह के शॉट्स लग रहे थे, क्योंकि एज ए बॉलर जब मैं देखता हूँ बैट्समैनों को, जिस तरह की वो शॉट्स खेल रहे हैं, दूर से भी खेल जाते हैं, कोई डीमंस नहीं थे पिच के अंदर, एक्स्ट्रा बाउंस, सीम, स्विंग इतना वो नहीं था, या टर्न इतना मैजिकली नहीं हो रहा था। जिस तरह शमसी की धुलाई की है उन्होंने, वो लग ही नहीं रहा था। हाँ, काशिफ महाराज ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और जो इनका रबाडा है वो डिफरेंट ब्रीड नज़र आया। वो डिफरेंस जो था ना, ये दो बंदे थे जो वो लेके आ गए। अगर रबाडा और काशिफ जो है, महाराज जो है, काशिफ महाराज, अगर ये दोनों कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाते हैं ना, तो इन्होंने यूएस ने इनको फंदा डाल दिया हुआ था। यासिर, जो कमबैक हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जी उन्होंने फैसला ही चेंज कर दिया टॉस जीतने के बावजूद भी। द पॉइंट इज दे थॉट कि बॉलिंग वुड प्रॉबेबली फेवर देम, लेकिन आई थिंक के जिस तरह सक़लैन भाई ने कहा कि आई थिंक 200 प्लस का स्कोर वाज अ मस्ट। बिल्कुल, आप बताएं, क्योंकि उन्होंने एक तो शायद अब ये आप बताएंगे कि उनकी नज़र में ये गलती हुई, क्योंकि फॉर इंस्टेंस इफ दे वर बैटिंग फर्स्ट तो क्या गेम पलट सकती थी? देखिए, उन्होंने जो है ना, उनकी स्ट्रेंथ, यूएसए की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, ठीक है, और उनको पता है कि उनकी बॉलिंग में बहुत सारे वीक लिंक्स हैं। इस तरह एक है उनके जसदीप सिंह, उन्होंने एक ही ओवर में, लेकिन उनको 28 बॉलिंग। हाँ, यही तो बात है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होती है वो आप उस पर आप डिपेंड रिलाई करते हो। तो उन्होंने, उनका फैसला ठीक था, टॉस जीत के उन्होंने अगर साउथ अफ्रीका को बैटिंग करवाई तो उन्होंने अपनी बॉलिंग के हिसाब से कम में रिस्ट्रिक्ट किया है। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को 225 करना चाहिए था, जो इनकी बॉलिंग है, जो इनकी वीक लिंक्स हैं। बिल्कुल, ठीक है सर, जसदीप है या अली खान ने भी 45 दिए हैं। तो बॉलिंग अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बिल्कुल सही, साउथ अफ्रीका का और अमेरिका की बॉलिंग का जमीन आसमान का फर्क है। आप देख लें रबादा ने किस तरह कमबैक किया है। बिल्कुल, सेकेंड लास्ट ओवर में उसने सिर्फ 3 रन दिए और विकेट भी ली है, वहाँ से गेम चेंज हो गई। वरना गौस जो था वो ही वॉज प्लेइंग सो वेल कि वो ओवर द लाइन ले जाता। 80 रन किए उसने, तो वो बहुत डिसअपॉइंट भी था। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, सक़लैन भाई ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि उनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है और बड़े ही क्लासिकल प्लेयर्स हैं दोनों। हरमीत भी बहुत अच्छा खेला है और गौस भी अच्छा खेला है, और उनका जो एरन जॉन्स है वो भी बड़ा तगड़ा प्लेयर है, लेकिन थोड़ा कैजुअल खेल गया जी। तो आने वाले मैचेस में ना इनकी बैटिंग बहुत सरप्राइज़ कर सकती है। लेकिन सर, ये पिच जो थी सर विवियन रिचर्ड्स वाली, ये बेसिकली इज इट अ बैटिंग पिच और इज इट स्पेसिफिक? एब्सोल्युटली बैटिंग पिच। अगर उन्होंने 190 किया है, इन्होंने 170 किया, तो इट मींस के 400 के करीब रन हुए हैं 40 ओवर्स में। ठीक है, तो ये बैटिंग पिच थी। बैटिंग पिच और किस तरह होती है, मतलब इससे ज्यादा बैटिंग पिच तो हो नहीं सकती। आप तो सर डेफिनेटली यू हैव बीन देयर, आपको बल्कि ज्यादा वो इल्म होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से आ रहा है कमबैक, यानी कि कमबैक क्या इब्तिदा कर रहा है, एंड कमिंग इनटू द सुपर 8 एंड देन गोइंग आउट ऑफ देयर ओन कंट्री इन होम ग्राउंड एंड प्लेइंग सच अ फिनोमिनल सीरीज, तो उनका फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है इस लिहाज से? जिस तरह की कल के मैच में क्रिकेट खेली एंड द वे दे प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान, फ्यूचर लुक्स क्वाइट ब्राइट ना, लग तो ऐसे ही रहा। आई थिंक इन लोकल लोगों को आई थिंक इन्वॉल्व होना चाहिए, होना आई थिंक they'll put the case front of the local people. American जो local है उनके आगे ये case रखेंगे, पाकिस्तान का भी और साउथ अफ्रीका का। ये जो बाकी मैचेस तो चलो ठीक है, बट ये दो ऐसे मैचेस उन्होंने खेले हैं, वो बताएंगे भाई ये वर्ल्ड चैम्पियन टीम थी और उन मारा है, और साउथ अफ्रीकन जो है वो टॉप 3 टॉप 4 में बैठी हुई है, उनको भी हमने मारने वाले थे। इस तरह की क्रिकेट हो रही है, एंड आओ हमें सपोर्ट करो और क्रिकेट को जो है ना वो आगे लेके चले हम लोग। आई थिंक डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इनका केस बन गया है, और आई थिंक आईसीसी जहाँ तक देखा जाए तो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है कि अमेरिका के अंदर क्रिकेट ये एक नई दुनिया उन्होंने क्रिएट कर ली। और मेरा ख्याल है वो बड़े अरसे से टारगेट बनाए हुए थे कि यहाँ पे हमने क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाना है। आई थिंक ये अमेरिका की जो परफॉर्मेंस है जी सर, ये आइसिंग ऑन द केक है। एक तो वो आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, बट आइसिंग ऑन द केक जो है वो यही है कि इनकी जो टीम है उसने जो परफॉर्मेंस दी है वो बताएंगे कि यार कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ना कोई सपोर्ट किया, ना कोई परमानेंट प्रोफेशनल है, ये तो काम भी करते हैं। बिल्कुल, ये काम भी करते हैं और साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, पार्ट टाइमर क्रिकेटर हैं, और वो किस किस्म के रिजल्ट सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। जी जी, तो जब फुल टाइम आ जाएंगे तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते, और यूएसए का नाम कहाँ से कहाँ लेके चले जाएंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक स्ट्रॉन्ग केस बन गया यूएसए का। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपकी बात के बाद पर हम हाइलाइट्स भी देखेंगे ताकि ज़रा और एंथुसियास्टिकली बताएं। बिल्कुल, ये इससे रेलिवेंट बात यह है कि हमारे टॉप के 2-3 प्लेयर्स वहाँ गए, मूव हुए हैं। समी असलम एक प्लेयर हैं जिन्होंने, जो टेस्ट क्रिकेटर हैं हमारे, और ही वॉज टेक्निकली वेरी गुड क्रिकेटर, मतलब वो इमाम के साथ आए थे लेकिन फॉर सम हाउ वो टीम में जगह नहीं बना सके, लेकिन ही वॉज द ओनली गाय हु न्यू हिज ऑफ स्टम्प। मैं मतलब जितना भी देखा फर्स्ट क्लास में उसके साथ खेला भी हूँ, और उसका आउटसाइड का ऑफ स्टम्प जो लेफ्ट था बहुत अच्छा था। आई डोंट नो वो क्यों नहीं आ सका टीम में, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं हुई है उसके साथ या जो भी है, बट ही वॉज द गाय जो कि उनको चाहिए इस वक्त अमेरिका की टीम में, जो ऊपर से वो पूरा एंकर शीट का रोल अदा कर सकता है और पूरे ओवर्स खेलने वाला प्लेयर है वो। तो आई एम श्योर, क्योंकि वो वहाँ पे सेटल हो गया, ग्रीन कार्ड ले लिया उसने, हमाद आजम ने, हसीब लड़का, उसने 2-3 लड़के और हैं हमारे जो वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि देखें, अमेरिकन लाइफ इज़ अ ड्रीम, ठीक है। आपको पता है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो भी वहाँ पे जाता है। तो अब और भी जो इंडिया के और वेस्ट इंडीज़ के जो अच्छे प्लेयर्स हैं ना, दे विल टारगेट अमेरिका फॉर सेटलमेंट, क्योंकि वहाँ पे वो ग्रीन कार्ड देते हैं, आपको सैलरी देते हैं $1 लाख, $1.5 लाख साल की, साथ में क्लब देते हैं। अब वहाँ पे मेजर लीग भी है, माइनर लीग है, माइनर लीग में पैसे मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा एवेन्यू फॉर रेवेन्यू बन गया क्रिकेटर्स के लिए, जो लड़के अच्छा एवेन्यू फॉर रेवेन्यू। ये तो आपने बड़ी राइमिंग करके, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है। आई थिंक अब वो कहते हैं ना कि अमेरिका के पास जब ये पहुंच गया, जिस तरह सकलैन भाई भी कह रहे थे, आई थिंक वो अब इसको सही मिंट कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, देखें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अब यहाँ पे देखें, हम अगर क्रिकेट खेलें पाकिस्तान के लिए, हम एक स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं पाकिस्तान में लोग, लेकिन बाहर जाके ना वो कुछ भी कर सकते हैं, यू नो, अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रिकेटर्स हु आर ignored I think USA ने हिला दिए सबको वैसे, but I think in terms of performance and in terms of the wisdom, मैंने आपसे कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि उनके पास मिक्स एंड ब्लेंड ऑफ काफ़ी पाकिस्तानी भी हैं, कुछ उनके फेवरेट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, इंडियन क्रिकेटर्स हैं, फिर उनके वेस्ट इंडीज़ टाइप के। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स एंड ब्लेंड ऑफ, जिस तरह आपने लीग बताई थी कि एशिया 11 वाली बन गई जी। और ये जैसे यासिर ने बताया, ये सब वो अपने अपने मुल्कों के सताए मारे हुए उधर पहुंचे हुए हैं। और ना सिर्फ यूएसए का नाम कुछ करना चाहते हैं, प्लस आपने अपने मुल्कों को बताना चाह रहे हैं हमारी कदर कर रहे हो, तुमने हमें ठुकराया है तो हम आपको कुछ करके दिखा रहे हैं। मस्ट बी प्राउड है, आई थिंक दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड एंड देयर पेरेंट्स एज वेल। अच्छा कर रहे हैं और हमारी दुआएं और अच्छा करें। आई थिंक आई एम श्योर साउथ अफ्रीका की जो है ना आंखें खुली होंगी कि भाई ठीक है, आपको स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, डिकॉक अच्छा खेल रहा था, सारी चीज़ें सही जा रही थी, आप डोमिनेट कर रहे थे, तो भाई आपको जो है वो 5th गियर में है, तो वहाँ से आप कुछ 6ठा गियर भी जो है ना वो ऑटो पे इजाद करो और फायरवर्क शुरू कर दो। मेरा ख्याल है इन्होंने कैलकुलेशन में पास स्कोर के 20 स्कोर मेरा ख्याल है कम किए, और बॉलिंग के एतबार से हम इनको ये नहीं कहेंगे कि इनकी बॉलिंग बुरी थी। आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू यूएसए, जिस अंदाज से आप उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं रिबाडा और काशिफ महराज को निकाल दें जी, बाकियों की तो उन्होंने ऐसे खेला है जैसे कि वो क्लब क्रिकेट के बॉलर हैं, और जिस तरीके से वो उनको जो है वो हैमरिंग कर रहे थे बिल्कुल, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बैटिंग करते हुए और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे एज ए पेयर, बिल्कुल वो ऐसे लग रहा था कि दे आर वेरी सीजन प्लेयर, दे आर वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर एज वेल, and they gone through from these kind of situation many times right, and they had a belief कि इसको कर सकते हैं बिल्कुल सही, तो ऐसी चीज़ें महसूस हो रही थी, लग रही थी। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका को सोचना पड़ेगा कि भाई ये एक तो अगर पहले बैटिंग करें तो पार स्कोर में जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें पार स्कोर को। अभी तो आई थिंक ये वन ऑफ द रीजंस कि अभी वेस्ट इंडीज़ में ही सारा हो रहा है, बल्कि आपसे पिच के वाले से ही बात करूँगा क्योंकि ये सारी पिचेज़ और मोर ऑन द बैटिंग साइड इफ आई एम नॉट जी, मगर अगर आप बॉलिंग अच्छी करते हो ना, देखें जैसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, हाँ कैशिफ ने बॉलिंग की, उसने उसकी गेंद के अंदर जानता एरिया को हिट कर रहा था, गेंद के अंदर टर्न भी थी, और अगला मैच अभी हम जब डिस्कस करेंगे आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मोइन अली ने अच्छी की है, यानी आपको परचेज मिलती है, बैटिंग ट्रैक तो है आपको पड़ेगी, बट आपके अंदर जिगरा इतना हो कि आपको बिलीफ हो कि भी जो गुड लेंथ है वो गुड लेंथ है, इस गुड लेंथ के अंदर अच्छे रब्स के साथ अच्छी जान के साथ गेंद को फेंकेंगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। और अगर आप घबराते हुए कभी आगे कभी पीछे कभी दाएँ कभी बाएँ इस तरह वेरिएशन और डिफरेंट चीज़ों को करेंगे और जो गुड लेंथ वाला एरिया उसको छोड़ देंगे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स, तो फिर आप जो है ना वो ऑन द डे, जैसे शमसी है वो तो मुझे ऐसा लगा घबराया हुआ था उसके साथ, हालांकि रेस स्पिनर्स का तो यहाँ पे एक बहुत अहम रोल था बिल्कुल, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तब रेस जो है शमसी जो है वी विल डू सम मैजिक फॉर साउथ अफ्रीका, मगर वो तो उसको बचाने के चक्कर में लगे हुए थे, उसके तो 4 ओवर कंप्लीट कराना उनके लिए मुश्किल हुआ था। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू रिबाडा एंड महाराज जिन्होंने मैच को अपनी तरफ खींच के लेके आए। इनका अगर एक ओवर भी गंदा हो जाता है ना, रबाडा का 1 ओवर गंदा हो जाता है और एक महाराज का ओवर गंदा होता है, दोनों के एक ओवर जस्ट मैटर ऑफ के कोई 12-12 के 2 लग जाते हैं ना, तो इनके तो जनाब ओवर द लाइन थे। लेकिन कमिंग टू 176, मैं आसिफ भाई की तरफ आता हूँ, आसिफ भाई कमिंग टू 176, और वो भी साउथ अफ्रीका इज़ अ नोन टीम और ऑब्वियसली एक सुपर टीम ही है, अनफॉर्चुनेटली हमेशा चोक होने का उनका एक हमेशा इशू रहता है, बट उन्होंने जो अपनी इंटेंट शो की यूएसए इटसेल्फ ने, आई डोंट थिंक कि उन्होंने टफेस्ट सिचुएशन में भी आप देखते कॉन्स्टेंट वो अब यानी कि फ्रंट पे थे, दे वर्ट यानी कि बैकिंग आउट का तो कोई सीन ही नहीं था, देखें बट आई थिंक कि किस्मत से बस 1-2 ओवर्स ने चेंज कर दिया मोमेंट, आई थिंक सो। देखें बात यह है कि अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप ऑनेस्टली देखें तो 1 महीने से वो ये ऐसी क्रिकेट ही खेल रहे हैं बिल्कुल, पहले उन्होंने बांग्लादेश को हराया, फिर उन्होंने कनाडा को हराया, फिर पाकिस्तान को हराया, मतलब ये नहीं है कि एक मैच में इन्होंने किया, तो वो जिस तरह सकलैन भाई ने बात की देन द बॉयज़ नो द प्रोसेस ऑफ विनिंग, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि यार ये चीज़ इन्होंने कहाँ पर की है, मतलब ना ये नज़र आए हैं कहीं पर किसी इंटरनेशनल एरिना पे या कोई सीरीज़ वगैरह खेली हो, बहुत जल्दी ये कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, इसका मतलब है अमेरिका का असर इन पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, अमेरिका के डॉलर्स का जो है ना असर इन पे हो रहा है, और साउथ अफ्रीका का जो सकलैन भाई कहते हैं पार स्कोर को ना पहुंचने की एक वजह डेविड मिलर की फ्लॉप होना, 0 किया उसने, अगर वो हो जाता तो उसको 250 तक जाना था, तो वो एक बहुत बड़ा जो है उनके लिए एक मेरे ख्याल से। ऑलराइट सर, हम लोग एक क्विक न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, यहाँ से भी विल टेक अ न्यूज़ ब्रेक, फॉरम वापस आते हैं और गुफ्तगू होती है। जनाब वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और बात हो रही थी ऑब्वियसली हालात और वाक़ियात को देखते हुए अपकमिंग मैचेस के हवाले से भी अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जो मैच गुजर गया वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड, सकलैन भाई व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच, इंग्लैंड मेड अ ब्यूटीफुल कमबैक, ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ ने भी अपनी तरफ से पुट इन देयर बेस्ट, बट आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग विक्ट्री फॉर द साबिक चैम्पियंस, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जिस तरह उन्होंने उनको डोमिनेट किया है और जिस तरह की क्रिकेट खेली और जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है, आई थिंक जॉस बटलर को आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट, जिस तरह उसने यूटिलाइजेशन बॉलर्स का किया है, बहुत ही शार्प उसकी चेंजिंग थी, जिस जगह पे भी उसने चेंज किया, कोई ना कोई या तो विकेट मिली है या प्रेशर क्रिएट किया है कहीं ना कहीं से जो है ना उसकी जो और आई थिंक जॉस बटलर जो है वो ही इज़ अ ग्रेट टीम मैन एज वेल, राइट, ग्रेट इन्फ्लुएंस भी, और वो भी लीड फ्रॉम द फ्रंट ही करता है, ये जो इनका सॉल्ट है उन्होंने नमक छिड़का है, उसने ठीक ठाक सही नमक छिड़का है जी वेस्ट इंडीज के ऊपर। उनकी खुशियों में जनाब उनकी पार्टी ख़राब कर दी है। ऑब्वियसली थोड़ी सी कंडीशन भी डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में थोड़ा सा हाई स्कोरिंग नज़र आ रहा है, बट आई थिंक दे वेल डिजर्व। वो पूरी ऑलराउंड क्रिकेट अच्छी खेली है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के एतबार से, और प्लस जो उसकी कप्तानी थी वो बहुत अच्छी थी। वेस्ट इंडीज़ मुझे ऐसा लगा कि उनको हैवी पंच पड़े, और हैवी पंच पड़ने के बाद जो है वो जैसे उनका अलजारी जोसेफ मेरा ख्याल है वो भी थोड़ा सा मुझे हिलता हुआ नज़र आया। इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट था उसमें भी मुझे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इनको कोई मुश्किल नज़र नहीं आई। हालांकि अकील ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में, और इनका जो मोती जो मेरा अपने अंडर 19 के स्टूडेंट्स हैं, मोती ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बट उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, सेंसिबल क्रिकेट खेली, जिसको लूटना था उसको लूट लिया। जैसे शेपर्ड है उसको 2 ओवरों में 41 जो दिए उन्होंने मुझे ऐसा लगा है कि उनकी जो स्ट्रेटजी ये थी ना कि जो बॉलर है या डिलीवरी है या मोमेंट है उसको लूटना कैसे है, बिल्कुल सही, और उस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है। और आई थिंक बड़े अरसे से जो इंग्लैंड वाले हैं वो इसी ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दैट्स द नेचुरल गेम एज वेल। जब उनको पता चल जाता है कि पिच जो है वो फ्लैट ट्रैक है तो 5वें गेयर में ही आते हैं, और 5वें गेयर में रोनते हुए चले जाते हैं। अब तो 6वां भी लग रहा है, कह सकते हैं, और रोनते हुए चले जाते हैं। आई थिंक एब्सोल्युटली मॉडर्न क्रिकेट उन्होंने खेली है, और आई थिंक दे वेल डिजर्व टू बी। हाँ एब्सोल्युटली, आई थिंक देर मेकिंग अ सुपर कमबैक। यासिर भाई आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने बीच में ऑब्वियसली हम लोगों ने जब ग्रुप स्टेज मैचेस देख रहे थे तो स्कॉटलैंड से भी नीचे था इंग्लैंड। इंग्लैंड मेड अ सुपर कमबैक, और सुपर कमबैक भी ऐसे हुआ कि आई थिंक वो भी थोड़े लकी भी रह गए, बट लाइक यू सेड के अलमदार अब वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं और अब वो अनस्टॉपेबल मोड में आ जाएंगे। तो ये जब आपने मैच देखा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का भी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम बीइंग इन देयर होम कंडीशंस एंड होम ग्राउंड, आप बताएं कि हाउ एग्जैक्टली डू यू सी नाउ कि जी इंग्लैंड की ये फतह उनको आगे कहाँ तक ले जा सकती है? देखिए अगेन अ कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंग्लैंड। जो एक प्लान बनाया हुआ था ना उन्होंने शुरू से उसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी लेट हुई है, बट वही प्लान है उनका। नज़र आ रहा है कि यार एक प्लान के साथ वो आए हैं। शुरू में थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे थे, लेकिन वो एकदम वो अपने उसमें आ गए हैं, कलर्स में आ गए हैं। बिल्कुल सही, जो क्रिकेट वो जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेल रहे हैं कई सालों से, उस ब्रांड की क्रिकेट उन्होंने खेली है और उस चीज़ को प्रूव किया है। और कल के मैच में बड़े कम्प्रीहेंसिव विन, अगर आप देखें 17वें ओवर में उन्होंने टारगेट चेज किया और बड़ा आराम से किया है। फिल सॉल्ट की अगर बात करूं, उसने 1 ओवर में 30 रन लिए, ठीक है, दैट मेड अ बिग डिफरेंस, गेम चेंजर। तो देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि यार जो कॉन्टेम्प्रेरी क्रिकेट है या जो स्पेशलिस्ट की जो क्रिकेट है, जो पावर हिटिंग है, फिल सॉल्ट पर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ्लॉप होता है लेकिन फिर भी खिला रहे हैं उसे, ठीक है। मैंने उसे फर्स्ट टाइम ही देखा है सकलैन भाई रन करते हुए प्रॉपरली, जो पाकिस्तान में भी करके गया था। पाकिस्तान में वो PSL, अच्छा पाकिस्तान की सीरीज में करके गया था, 2022 वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज थी जी उसमें वो कुछ रन। तो वो देखें एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करके वो पूरा उसको चांस देते हैं, यूटिलाइजेशन। जिस तरह मोइन अली उनके लिए बड़ा वो कहते हैं ना यूजफुल क्रिकेटर है, साथ में पैकेज है, बॉलिंग करता है, फील्डर अच्छा है, टीम मैन है, और बैट के साथ थोड़ा बहुत करता है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके आप उनके साथ कैरी ऑन करें, लेकिन राइट प्लेयर्स होने चाहिए। बिल्कुल आइडेंटिफाई, ये नहीं है कि आप वो ये टर्म यूज नहीं करनी चाहिए रल्लू कट्टा, उसको आप सिलेक्ट करके आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, आप एक प्रॉपर जो आप में आपको नज़र आता है फिर आप उसको बैक करें, उसको चांस दें। बिल्कुल, तो ये इंग्लैंड में ये चीज़ है कि ये वो कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लिविंगस्टन का भी नज़र नहीं आ रहा, वो भी ज़रूर अपने कलर्स में डेफिनेटली आएगा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है, बिल्कुल बॉल के साथ भी और बैट के साथ भी। इनके देखें इनकी टीम में बड़ी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल साथ में हैरी ब्रूक है, वो दोनों रोल्स अदा कर सकता है। अगर जहाँ पर विकेट्स घिर जाएँ तो वो थोड़ा सा वो वहाँ पे ऑक्यूपाई भी करता है क्रीज को, सिंगल डबल्स करता है। बिल्कुल सही, तो ये गेम अवेयरनेस जो है ना बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, गेम सेंस बहुत ज़रूरी है। फिल सॉल्ट को PSL ने पाथवे प्रोवाइड किया, और PSL हमारी ऐसी लीग है कि जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाथवे तो प्रोवाइड करती है, लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं बनती। यहाँ से प्लेयर परफॉर्म करके IPL में जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं है कि यार IPL से परफॉर्म करके किसी ने ये टारगेट किया कि हमने PSL में जाना है। तो PSL ने इंग्लैंड के बहुत से प्लेयर इंग्लैंड को दिए हैं, मैं तो ये समझता हूँ जिसमें फील्ड सॉल्ट भी शामिल है। राइट, वेल गुड एनालॉजी। मैं एक क्विक वर्ड लूँगा आपसे भी, बड़ा क्रूशल मैच है आज, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। क्विक प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन तो मैं नहीं दूंगा, बट माय बेट इज ऑन अफगानिस्तान। और अगर ऐसा ना हुआ, क्योंकि अभी देखें इंडियन टीम जो ना, अगर आप ऑनेस्टली कहें तो इस वक्त टॉप 4 की टीम है। वन ऑफ द कंप्लीट पैकेज है उनके पास, भी बुमराह की शक्ल में है, उनकी बैटिंग अच्छी है, अभी विराट कोहली पे रन ड्यू हैं जी, ठीक है, फिर उसके साथ से उनके स्पिनर्स अच्छे हैं। अगर अफगानिस्तान यहाँ पे आज कोई मिरेकल दिखाता है जी, तो मेरे ख्याल से फिर अफगानिस्तान को ऑल द वे जाना चाहिए, चैम्पियनशिप जीतनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर देम, राइट। सक़लैन भाई, फॉर यू अफगानिस्तान वर्सेज इंडिया। 80-20 इंडिया, 20 अफगानिस्तान। ओके, यू नेवर नो, ये 20 कैन बी चेंज इन 200 ले जाए वो, तो ये उनके अंदर पोटेंशियल तो है, बट इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है पूरा पैकेज है उनके अंदर। बट इंडिया आप हमारे साथ भी तो चोक हो गया था बड़ी मैच, लेकिन चोक फिर एंड में हम हो गए थे, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए, नॉट दैट हम कहें कि इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। ये अफगानिस्तान पिछला जो मैच खेला है, पिछले मैच उसका मुझे थोड़ा सा, और वो भी काफी बड़े मार्जिन। हाँ, वरना अगर पिछला मैच वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से खेले होते तो शायद मैं कहता 60-40, राइट। मगर पिछले मैच में जो क्रिकेट खेली है ना, और जो हैमरिंग हुई है, असल में ऐसे मैचेस में ना आप मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, ये सारी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, और जब आपको एक इस तरह की डिफीट मिलती ना, तो आपका मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, बिलीफ थोड़ा डेंट होता है, थोड़ा सा उसमें से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, और फिर आप फिर दोबारा तरीके से बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि यार अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने कॉन्फिडेंस को फिर आप प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, फिर आप आगे जा रहे होते हैं। और दूसरी साइड से जो टीम है वो ऐसी हाई वोल्टेज क्रिकेट खेल के और वहाँ से जीत के और टॉप करके उसमें से वो इस तरफ आ रही होती है, आप नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर साथ ये जीता होता अफगानिस्तान तो प्रॉब्लम है 60-40 कहता है, इस वक्त मैं 80-20 कहूँगा, 80 इंडिया 20। इस बात से मेरा भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, क्योंकि पिछला मैच अफगानिस्तान ने बहुत बुरा खेला, उनकी एबिलिटीज पे गुरबाज का बहुत बड़ा रोल होगा। आईपीएल भी कह रहे थे कि अगर अफगानिस्तान जीतेगी तो मैं यहाँ पे डांस करूंगा, ये भी आपने कहा था, अफगानिस्तान अगर इंडिया जीतेगी। बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सक़लैन भाई, थैंक यू वेरी मच यासिर भाई फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, लेट्स होप फॉर अ गुड मैच, अफगानिस्तान वर्सेज इंडिया। वो मैच हमने देखना मस्त है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एंड विल टॉक मोर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।